नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इसमें से सीबीसी के बारे में डिस्कशन किया था, और आज उसी के कंटिन्यूशन में मैं आपको सबसे पहले प्लेटलेट्स काउंट के बारे में डिटेल बताऊंगा। प्लेटलेट्स काउंट्स किस कंडीशन में कम और ज़्यादा होते हैं, देन आफ्टर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से डब्ल्यूबीसी काउंट जो होते हैं वो अल्टर होते हैं इन एवरी कंडीशन, डिजीज कंडीशन। तो मैं राकेश कुमार पटेल, पटेल नर्सिंग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार आपको फिर से स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे सीबीसी का सेकंड पार्ट्स, लेट स्टार्ट्स और टॉपिक। जी हाँ फ्रेंड, आज का टॉपिक हम मैं सबसे पहले प्लेटलेट्स काउंट्स। प्लेटलेट्स काउंट्स की अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख। ये नॉर्मल वैल्यू है जो हम सिंपली देखते हैं, ठीक है। और जो हमने रिपोर्ट आपको सबसे पहले शुरुआत में दिखाया था, उस रिपोर्ट का एक प्रिंट में हमने आपको स्पेसिफाई किया है कि 1.5 लाख से 4,10,000 तक। ये डिफरेंट करता है हर पैथ के अनुसार, जो यूज, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसके अनुसार अल्टर होता है। इस पेशेंट की नॉर्मल वैल्यू अंडर नॉर्मल आ रही है 2,39,000, मीन्स इट्स अ नॉर्मल रिपोर्ट। अब यहाँ पे प्लेटलेट्स काउंट दिखाए गए हैं, जैसे कि कुछ डब्ल्यूबीसी काउंट दिए गए हैं, ये रहे डब्ल्यूबीसी काउंट्स, न्यूट्रोफिल्स का इमेज दिया गया, एंड कुछ प्लेटलेट्स काउंट्स जो बहुत ही कम छोटे से छोटे होते हैं, और उनका क्या कार्य है, और उनकी कमी से कौन सा रोग होता है, और उनकी अधिकता से कौन सा रोग होता है, हम आगे टॉपिक में बात करेंगे। लेट स्टार्ट प्लेटलेट काउंट फर्स्ट। अगर सबसे पहले तो लो है तो उसको बोलेंगे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। पेनिया का मतलब होता है हमेशा कमी, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटो थ्रोम्बो प्लेटलेट्स के लिए होता है, साइटो यानी साइट सेल्स होती है, मीन्स प्लेटलेट्स के काउंट की कमी होती है। देन यह कम मोस्ट कॉमनली वायरल इन्फेक्शन, जब कभी वायरल इन्फेक्शन होता है जैसे कि हेपेटाइटिस, मिजल्स, मोनोन्यूक्लियोसिस, ऐसी कंडीशन में प्लेटलेट्स की काउंट के हमेशा वैल्यू कम होती है। देन डेंगू, मोस्ट कॉमन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डेंगू, मीन्स डेंगू की जब भी बात आती है डेंगू में हम सबसे पहले सीबीसी कराते हैं, और सीबीसी में प्लेटलेट्स काउंट का ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड्स कहे तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग है, तो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला डेंगू में सबसे पहले सीबीसी कराते हैं। इसके अलावा भी कुछ और टेस्ट होते हैं जैसे टूनी के टेस्ट, उनके बारे में बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, ये एक तरह का फीवर होता है जिसके अंदर भी प्लेटलेट्स कम कम होते हैं, और प्लेटलेट्स ऑटो एंटीबॉडी। ऑटो एंटीबॉडी का मतलब हम सिंपल भाषा में समझे कि खुद के प्लेटलेट्स के अपोजिट खुद की बॉडी बन जाना, जैसे एंड सीरोसिस में भी होता है। कुछ ड्रग होती है एसिटामिनोफेन, क्विनिडिन, सल्फा, जैसे कि पेशेंट में अगर कोई एग्जाम के दृष्टिकोण से इसमें क्वेश्चन समझे तो पेशेंट जो एसिटामिनोफेन ले रहा है आफ्टर 3 लॉन्ग टाइम, जैसे कि 10-15 दिन, और उसके ब्लड वैल्यू का इवेल्यूट किया गया, तो ब्लड वैल्यू के अंदर कौन सी चीज अल्टर है या कौन सी चीज नॉर्मल है उस तरह से, तो उस समय अगर लो प्लेटलेट काउंट होगा तो हमें यह उसका एज अ साइड इफेक्ट समझ सकते हैं, इसलिए उसको हम रॉन्ग नहीं करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑटोइम्यून डिजीज आईडीपी, देन सेप्सिस की कंडीशन में भी कम होता है, और ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा, ये दो एक ब्लड कैंसर के टाइप होते हैं नॉर्मली, इनमें भी अल्टर होता है। देन मायलोडिसप्लेजिया, कीमो एंड रेडियोथेरेपी, यह सभी कंडीशन है जिसमें हमें प्लेटलेट्स की काउंट कम देखने मिलता है। देन हाई वैल्यू ऑफ प्लेटलेट्स, हाई वैल्यू यानी बढ़ते कब कब है, कम कंडीशन में बढ़ते हैं, ज़्यादा कंडीशन में कम होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, उसे बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस, मीन्स इनकी वैल्यू कम हो ज़्यादा हो रही है, सॉरी इनकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है। देन इसकी कंडीशन देखें तो कैंसर कैंसर, लंग कैंसर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ब्रेस्ट, ओवेरियन, लिम्फोमा, यह याद रखने लायक कंडीशन है। इन इन कैंसर की कंडीशन में थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है। देन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, ल्यूपस, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में भी प्लेटलेट्स काउंट इंक्रीज होते हैं। देन हीमोलाइटिक एनीमिया, माइलोप्रोलिफेरेटिव डिसऑर्डर एंड असेंशियल थ्रोम्बोसाइटोथेमिया, इन सभी कंडीशन में हमारे प्लेटलेट्स के इन सभी कंडीशन में हमारे प्लेटलेट्स के काउंट अल्टर होते हैं। हमने लो की भी बात की एंड हाई की भी बात की। नेक्स्ट बात करते हैं हम डब्ल्यू बी सी काउंट। जी हाँ दोस्तों, सी बी सी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है डब्ल्यू बी सी काउंट्स।
एज ए नॉर्मली सीबीसी हम नहीं करवाते हैं, सीबीसी उसी कंडीशन में करवाते हैं जब हमें कुछ अल्ट्रेशन लगता है, फीवर आ रहा है या कुछ बॉडी में ऊपर नीचे होता है, तब हम सीबीसी कराते हैं। तो उस कंडीशन में सीबीसी पे सबसे पहले हम जाएंगे डब्ल्यूबीसी काउंट पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी काउंट की नॉर्मल वैल्यू बात करें तो 4,500 से 11,000 होती है, इट वेरिएट करती है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, इट्स ओके। देन डब्ल्यूबीसी काउंट के कौन कौन से तरह के होते हैं, तो नॉर्मली 5 तरह की होती है। सबसे ज़्यादा ब्लड में पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स, ये 60-70% होते हैं, लेट्स स्टार्ट टॉप लेटर अबाउट दैट, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ये 5 तरह की डब्ल्यूबीसी काउंट्स होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लो रिजल्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट का अगर वैल्यू कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ल्यूकोपेनिया। ये टर्मिनोलॉजी है, किसी एग्जाम में पूछी जा सकती है, ल्यूकोपेनिया। ठीक है, आगे बात करते हैं लो वैल्यू। लो वैल्यू बोन मैरो डिसऑर्डर एंड डैमेज, मीन्स अपन ने जैसे लास्ट वीडियो में बात की थी कि फैक्ट्री खराब है तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमारी फैक्ट्री है बोन मैरो। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, खुद के आरबीसी डब्ल्यूसी यानी खुद की सेल्स खुद के अगेंस्ट काम कर रही है, तो उसमें भी कम होना स्वाभाविक बात है, भाई भाई लड़ने वाली बात होती है इसमें। सीवियर इन्फेक्शन जिसे सेप्सिस है, तो उसमें सीवियर इन्फेक्शन में डब्ल्यूबीसी काउंट फाइट करने के लिए बचते नहीं है। ठीक है, लिम्फोमा एंड अदर कैंसर दैट स्प्रेड द बोन मैरो, मीन्स जो बोन मैरो से स्प्रेड हो रहा है लिम्फोमा और कुछ तरह के अलग अलग कैंसर होते हैं, उनकी वजह से भी कम होता है। डाइटरी डिफिशेंसी, खाने पीने का रहेगा ही नहीं, एनर्जी जो फैक्ट्री में बनने के लिए रॉ मटेरियल आएगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली डब्ल्यूबीसी काउंट ही कम होंगे, प्रोडक्शन कम ही होगा। कुछ डिजीज जैसे एचआईवी और एचआईवी इम्यून डिजीज, इन इम्यून डिजीज का काम यही होता है कि जो हमारी इम्यून सिस्टम है डब्ल्यूबीसी काउंट उनको ही ब्रेक करना, तो इसी कंडीशन में कम होने थे। ठीक है, लेट्स नेक्स्ट फॉर हाई वैल्यू ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी काउंट ज़्यादा कब कब होते हैं, तो उनमें उनको तो क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोपेनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, ये दो टर्मिनोलॉजी है और कन्फ्यूज ना हो दोस्तों, कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। देन इन्फेक्शन, अब नॉर्मली देखते हैं डब्ल्यूबीसी काउंट 11,000 से ऊपर आते हैं, 10,000 से ऊपर आते हैं, तो अपन बोलते हैं भाई हाँ कहीं इनके बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस है। दो तरह के मोस्ट कॉमनली होता है, बैक्टीरियल एंड वायरल, इन दोनों में अल्ट्रेशन आता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन है बॉडी में तो भी होगा डब्ल्यूबीसी काउंट। ल्यूकेमिया है, माइलोप्रोलिफेरेटिव न्योप्लाज्मा है, मीन्स न्योप्लाज्मा यानी नई सेल्स बनती है, उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी बोन मैरो है वहाँ से एक्सेसिव इमेच्योर डब्ल्यूबीसी काउंट नहीं होते। नॉर्मली ये बच्चों में देखा जाता है, ब्लड कैंसर जो शुरुआत होता है उसमें देखा जाता है, जो डब्ल्यूबीसी काउंट बनते हैं बट वो प्रॉपर डब्ल्यूबीसी काउंट नहीं होते, वो इमेच्योर होते हैं, और इमेच्योर है तो जब काम आएंगे नहीं तो बॉडी डिमांड करेगी डब्ल्यूबीसी काउंट की, और बोन मैरो और से और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते रहेगा, बट वो इमेच्योर होने की वजह से बॉडी में यूज नहीं आएंगे बट उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक ब्लड कैंसर में ये बहुत कॉमन होता है। एलर्जी, अस्थमा, टिश्यू डेथ, ट्रॉमा, बर्न, हार्ट अटैक, इन सभी कंडीशन में डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज होते हैं, जैसे कि इंटेंसिव एक्सरसाइज एंड सिवियर स्ट्रेस, ये दो कंडीशन भी है जिसमें डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ते हैं। नॉर्मली आरबीसी भी बढ़ती है बट डब्ल्यूबीसी काउंट भी इन कंडीशन में बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले डब्ल्यूबीसी काउंट होती है न्यूट्रोफिल्स, जिसकी नॉर्मल वैल्यू है 38-70 और मीन देखें तो 56, मीन्स यह अप्रोक्सीमेटली 60% के आसपास होती है। अपन सिंपल भाषा में याद रखें 56 ना रहे तो 60%। ठीक है, देन लो काउंट, लो काउंट कब होता है, लो काउंट होगा तो न्यूट्रोपेनिया, जिसे मैंने पहले बात कही थी, डब्ल्यूबीसी काउंट कम मीन्स पेनिया। देन किन किन कंडीशन में कम होता है, सेप्सिस की कंडीशन में कम होता है, जैसे सिवियर है ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन है, इसी कंडीशन में कम होगा, मीन सीवियर इन्फेक्शन में कम होगा। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो पहले बात करी है, डायट्री डिफिशेंसी, डब्ल्यूबीसी काउंट के नॉर्मल जो वैल्यू थी खाना कम आएगा, रॉ मटेरियल कम है। ठीक है, रिएक्शन टू ड्रग, सम स्पेसिफिक ड्रग से अगर रिएक्शन होता है तो उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट्स कम होते हैं। देन नेक्स्ट होता है इम्यूनो डिफिशेंसी, इम्यूनो डिफिशेंसी जो बात की, एचआईवी इन्फेक्शन, एड्स इन्फेक्शन में भी बहुत कम होता है। देन माइलोडिस्प्लेजिया, देन नेक्स्ट बोन मैरो डैमेज, यानी बोन मैरो के भी डिसऑर्डर जो होंगे उन सभी में मोस्ट कॉमनली न्यूट्रोफिल्स सभी डब्ल्यूबीसी काउंट्स कम होंगे।
देन कैंसर जो कि बोन मैरो से फैलता है उसमें से भी कम होने के चांसेस रहते हैं। देन कंजेनेटल न्यूट्रोपेनिया, कंजेनेटल बाय बर्थ किसी का कम होता है। देन हाई रिजल्ट, ज़्यादा कब कब होगा, ज़्यादा होगा तो उसे बोलोगे न्यूट्रोफिलिया, ठीक है, ये क्वेश्चन का टर्मिनोलॉजी है। देन हाई कम कंडीशन में जैसे कि एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सिवियर इन्फेक्शन में WBC काउंट कम होते हैं और एक्यूट इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन में WBC काउंट ज़्यादा होता है। ये एक डिफ्रेंशिएशन का एक तरीका होता है, ठीक है। ट्रॉमा, हार्ट अटैक, बर्न, स्ट्रेस, रिगोरियस एक्सरसाइज, ऐसी कंडीशन में सभी में WBC काउंट इंक्रीज होते हैं, जो अपन नॉर्मली इंक्रीज होंगे, क्योंकि WBC काउंट का मेजर पार्ट क्या है, 60%, 60 to 70% तक न्यूट्रोफिल से, मींस जो न्यूट्रोफिल्स के काम होंगे उसमें मैक्सिमम काम WBC काउंट, WBC में अल्टरेशन होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सर्टेन ल्यूकेमियास, जिसे अपन बात करी क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम। देन लिम्फोसाइट्स, सेकंड आता है लिम्फोसाइट्स जो कि 21 से 21 से 49 होता है नॉर्मल, बट इसको सिंपल भाषा में याद रखने जाए तो यह 30, अब याद रखेंगे 60 देन 30, कितना हुआ 90 हो गया ऑलमोस्ट। तो मेजर पार्ट किसका होता है WBC काउंट का, न्यूट्रोफिल्स देन लिम्फोसाइट्स, 90% इन दोनों ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया, ठीक है। इसका 34 मीन दिया गया है, बट 30 के हिसाब से अपन याद कर सकते हैं, ओके दोस्तों। देन लो वैल्यू किसमें होगी, लो वैल्यू होगी, सॉरी लो वैल्यू को सबसे पहले बोलेंगे लिम्फोसाइटोपेनिया, पेनिया की मतलब होता कमी, लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइटो, ओके। देन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ल्यूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। तो इन्फेक्शन HIV, वायरल हेपेटाइटिस, टाइफाइड फीवर, इन्फ्लुएंजा, COVID-19, यस ये खास देखने लायक है, जो भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं मोस्टली वायरल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट सेल्स कम होती है। अगर लिम्फोसाइट्स कम है इसका मतलब हम जाएंगे वायरल्स पे, ठीक है। ये कोविड पेशेंट का मैंने CBC लिया था, कोविड पेशेंट में मैं देख रहा हूँ कि जो लिम्फोसाइट्स है उनकी वैल्यू 3.5% है, नॉर्मल कितनी है 21 to 49, मींस कहीं ना कहीं COVID-19 में लिम्फोसाइट्स कम होते हैं, लो वैल्यू होगी, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट बोन मैरो डैमेज फैक्ट्री, वही जो अपन ने पहले बात करी थी, कोर्टिकोस्टेरॉइड, एक कोविड पेशेंट में हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड देने की वजह से भी लिम्फोसाइट्स कम होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक तो टर्मिनोलॉजी लिम्फोसाइटोपेनिया बोलेंगे, नेक्स्ट होता है किस कंडीशन में कम होता है, वायरल इन्फेक्शन में मोस्टली कम होता है लिम्फोसाइट्स, ये याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट हाई वैल्यू, हाई वैल्यू किस में होगी, एक्यूट वायरल इन्फेक्शन, जैसे ही अपन ने वहाँ पे बात करी थी न्यूट्रोफिल्स में, वही सेम कंडीशन होगा, क्रॉनिक होगा तो लो होता है, और एक्यूट इन्फेक्शन में WBC काउंट भी इंक्रीज होता है और क्रॉनिक इन्फेक्शन में WBC काउंट डिक्रीज होता है। सेम कंडीशन यहाँ पे एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट्स अफेक्ट होती है मोस्टली, तो एक्यूट है तो हाई होगी और क्रॉनिक होगा तो लो होंगे नॉर्मली। तो हाई वैल्यू एक्यूट वायरल इन्फेक्शन में जैसे चिकन पॉक्स, साइटोमेगालोवायरस, इप्शन बार्शिन वायरस, RPS, रूबेला, इन सभी में हाई होंगे। देन नेक्स्ट सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी अल्टर होता है, जैसे पर्टोसिस, वूपिंग कफ या TB, जी हाँ दोस्तों, ये एक TB के रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि TB में अपोजिट होता है, नॉर्मली जो लिम्फोसाइट्स होती है, नॉर्मली जो लिम्फोसाइट्स होती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अल्टर नहीं होती है या कम होती है, परंतु ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ज़्यादा होती है, तो यह क्वेश्चन भी कभी एग्जाम में पुटअप किया जा सकता है, ठीक है। देन टॉक्सोप्लाज्मोसिस, देन क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है दोस्तों, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, लिम्फोमा। अब सीधी सी बात है, लिम्फोमा, लिम्फोमा ये मैंने स्पेसिफिक इसलिए बताया कि लिम्फ बढ़ेंगे, लिम्फोसाइट्स बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू हाई होगी, बट ये जो वही सेम एज इमेच्योर होगी प्रॉपर, क्योंकि बोन मैरो डैमेज की वजह से या ब्लड कैंसर की वजह से, बोन मैरो कैंसर की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है दोस्तों, स्ट्रेस की में भी बढ़ता है। देन थर्ड है मोनोसाइट्स, मोनोसाइट की वैल्यू होती है 3 to 11, ओके फ्रेंड्स, इसको अगर मीन में हम देखेंगे तो 4, और नॉर्मली याद रखने के लिए हम सिंपली देखें तो 6 भी याद रख सकते हैं, जैसे 6 याद रखेंगे तो क्या होगा 60%, 30%, देन यस 6,
यानी 96% वी हैव ऑलरेडी कवर आउट ऑफ 100% ऑफ डब्ल्यूबीसी अकाउंट्स, दैट इज योर मोनोसाइट्स। ओके फ्रेंड्स, लो वैल्यू होती है जो रिपीटेड बोन मैरो डैमेज या किसी फेलियर की वजह से रिपीट होती है, हेयर सेल ल्यूकेमिया कैंसर में होती है, ब्लड कैंसर, एप्लास्टिक एनीमिया में होता है ये अल्ट्रेशन। ठीक है, अब हाई वैल्यू बात करें, हाई वैल्यू होती है क्रॉनिक इन्फेक्शन, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, फंगल इन्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन अभी रिसेंटली जो हमारा फंगल इन्फेक्शन चल रहा है उसमें भी यह ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, वॉट एवर इनमें भी यह अल्ट्रेशन हो दिखेगा आपको। ठीक है, इन्फेक्शन विथ हार्ट डिजीज, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, यह चीज खास है। ठीक है, मोनोसाइट्स किस में बढ़ते हैं? बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में। देन कोलेजन वास्कुलर डिसऑर्डर, ल्यूपस, स्क्लेरोडर्मा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वास्कुलाइटिस। मीन्स कहने का मतलब है जो हार्ट्स एंडोकार्डाइटिस तथा उसके रिलेटेड है, वास्कुलर ऑर्गन से रिलेटेड है, अगर यहाँ इसमें कहीं इन्फेक्शन होता है तो हमारे मोनोसाइट्स काउंट इंक्रीज होते हैं। एंड देन वन अदर वन इज ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है दोस्तों, एंड फंगल इन्फेक्शन ऑल्सो। नेक्स्ट मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, वही एक्यूट एंड क्रॉनिक जो बात करी, ब्लड कैंसर के रिलेटेड है ये, तो बोन में प्रॉब्लम होगी, इमेच्योर होगी, उसकी वजह से बढ़ेगी। देन नेक्स्ट है इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स की काउंट होती है 0 से 7, या 0 भी होता है ब्लड में। ठीक है दोस्तों, और इसका मीन होता है 2.72, नॉर्मली 3 मानते हैं इसको। तो वी हैव कवर एटलीस्ट 99% आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी काउंट। ठीक है, इयोसिनोफिल्स लो वैल्यू होती है, लो वैल्यू का इसमें कुछ खास इंडिकेशन नहीं दिया गया है। देन हाई वैल्यू, क्योंकि लो वैल्यू का इंडिकेशन इसलिए नहीं दिया गया, ऑलमोस्ट 0 ही होती है, तो 0 से अब कितना माइनस में जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे हाई वैल्यू की बात करें, हाई वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ईयोसिनोफिल्स की। बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है ईयोसिनोफिल्स की हाई वैल्यू में, तो इसका मोस्ट कॉमन होता है अस्थमा, एलर्जी। ठीक है, ये एलर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में, नर्सिंग कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो हमेशा याद रखना है किसी भी एलर्जी कंडीशन में ईयोसिनोफिल्स काउंट बढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल एलर्जी और ई ईयोसिनोफिल्स, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। सेकंड कंडीशन होती है कुछ पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ठीक है, देन इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, सिलिक डिजीज, इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज, IBD, देन सम कैंसर्स, एक्यूट एंड क्रॉनिक ल्यूकेमियाज एंड लिम्फोमास जो बोला था, एडिसन डिजीज में एक अलग है जिसके अंदर ईयोसिनोफिल्स की काउंट इंक्रीज होते हैं, एंड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। ठीक है दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर का इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत रिलेशन होता है एलर्जी के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बेसोफिल्स लास्ट सेल्स जो बहुत ही कम लेवल होती है। ठीक है, 0 to 2% मीन्स इसका नॉर्मल मीन देखे तो 1 के आसपास मान सकते हैं, 1% के आसपास, तो राउंड फिगर वी हैव कवर 100%। ओके, नॉर्मल लो वैल्यू बहुत ही कम होती है, ऑलरेडी 0 होती है, इसका लो वैल्यू का मतलब खास कुछ रोल होता नहीं। हाई वैल्यू की बात करें, रेयर एलर्जिक रिएक्शन एफ्स, फूड एलर्जी, इसमें भी बेसोफिल्स इंक्रीज होती है। देन इन्फ्लामेशन, रूमेटिक आर्थराइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग पटेल नर्सिंग अकेडमी यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़ फ्रेंड, बेल आइकन को क्लिक करें और हमारे अगले नोटिफिकेशन के लिए रेडी रहें।